हे बंधु, हम गोविंद के सेवक हैं। मेरा ठाकुर सबसे बड़ा है, जो समस्त विधियों से स्वयं ही करने वाला और कराने वाला है। वही हमारा सच्चा गुरु है। रहाऊ, सृष्टि में ईश्वर के बराबर दूसरा कोई नहीं जिसका भय माना जाए। गुरु की सेवा करने से प्रभु चरणों में निवास मिल जाता है और इस विषम जगत समुद्र से पार हुआ जाता है। हे भगवान, तेरी दया दृष्टि से आत्मिक सुख उपलब्ध होता है और नाम का भंडार हृदय में बस जाता है। जिस पर तू कृपालु हो जाता है वह सेवक स्वीकार हो जाता है। हरि का कीर्तन अमृत रस है, पर कोई बिरला ही इस रस को पीता है। हे नानक, यदि मुझ गोविंद के चाकर को वेतन के रूप में उसका एक नाम मिल जाए तो मैं अपने हृदय में नाम जप जप कर जीवन जीता रहूं। आशा महल्ला 5, जा प्रभ की हौ चेरुली सो प्रभ ते ऊंचा, सब किछ ताका कड़िए थोड़ा अरमूचा, किया प्राण मेरा धनो साहिब की मनिया, नाम जिसे के उजली तिस दासी गनिया। रहाउ, बेपरवाह आनंद में नाऊ माणक हीरा, रजी धाई सदा सुख जा का तू मेरा, सखी सहेरी संग की सुमति दृढ़ावउ, सेवह साधु भाउ करताऊ निद हर पावउ, सगली दासी ठाकुरे सब कहती मेरा, जिसह सिगारे नानका तिस सुख बसेरा। हे सखियों, मैं जिस परमात्मा जी की सेविका हूँ वह सबसे ऊंचा है। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उसका दिया हुआ ही कहलाता है। हे सखियों, यह शरीर प्राण एवं धन इत्यादि मालिक प्रभु की दी हुई देन मानती हूँ। जिसके नाम से मैं उज्जवल हुई हूँ मैं खुद को उसकी सेविका ही गिनती हूँ। रहाऊ, हे स्वामी, तू बेपरवाह एवं आनंदमय है। तेरा नाम मेरे लिए मणिक एवं हीरा है। जिस जीव स्त्री का तू मालिक है वह हमेशा संतुष्ट रहती है और सदा सुख मानती है। हे मेरी संगी सखी सहेलियों, मैं आपको एक सुमति समझाती हूँ। आप श्रद्धा से साधुओं की सेवा करो व नाम रूपी निधि हरि को पालो। सब जीव स्त्रियाँ ठाकुर जी की दासियाँ हैं और सब उसे मेरा मालिक कहती हैं। हे नानक, परमेश्वर जिस जीवात्मा का जीवन सुंदर बना देता है उसका बसेरा सदैव सुखद है। आशा महल्ला 5, संता की होए दासरी एह आचार सिखरी, सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूर न पिखरी, एह मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी, त्याग स्याणा पचातुरी तू जान गोपाल संगरी। रहाऊ, भरता कहे से मानिए एह सिंगार बनाई री, दूजा भाव विसारिये एह तंबोला खाइये री, गुर का शब्द कर दीप को एह सत्य की सेज बिछाई री, आठ पहर कर छोड़ रह तौ भेठे हर राई री, तिस ही चज सिगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री। हे सुंदर आत्मा, तू यह आचरण सीख ले कि तू संत जनों की दासी बनी रहे। समस्त गुणों में सर्वोत्तम गुण यही है कि तू अपने प्राणनाथ को कहीं दूर मत देख। हे सुंदरी, तू अपने इस सुंदर मन को मजीठ जैसे पक्के हरि नाम के रंग से रंग ले। अपने अंतर मन से बुद्धिमता एवं चतुराई को छोड़कर जगत पालक प्रभु को अपने साथ समझ। रहाऊ, हे आत्मा,
प्राणनाथ प्रभु जो हुक्म करता है उसे मानना चाहिए। इसे ही अपना श्रृंगार बना, प्रभु के अतिरिक्त दूसरा प्रेम भूल जा। तू यह पान खाया कर हे आत्मा, गुरु के शब्द को अपना दीपक बना। इस सत्य की सेज बिछा जो जीव स्त्री हाथ जोड़कर आठ पहर उसके सम्मुख खड़ी रहती है, उसे जगत का बादशाह हरि मिल जाता है। केवल उसके पास ही शुभ आचरण एवं सभी श्रृंगार हैं और वही अपार रूपवान है। हे नानक, वही जीवात्मा सुहागिन है जो करतार को प्यारी लगती है। आसा महला पांच दिगण डोला तौ लौ, जौ मन के भरमा ब्रह्म काटे गुर आपने पाए विश्रामा। ओय विखादी दोखिया ते गुर ते हूटे, हम छूटे अब उन्हाते ओय हम ते छूटे। रहाउ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंधा। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खस में बंदा। जब तक मेरे मन में ब्रह्म बने रहे तब तक विकारों में गिरता और मोह में फंस कर डावा डोल होता रहा। जब गुरु ने मेरे ब्रह्म निर्वित कर दिए तो मुझे सुख उपलब्ध हो गया। वे विवादस्पद कामादिक बैरी सभी गुरु की कृपा से मुझसे दूर हो गए हैं। मैंने अब उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है, वे सब हमारा पीछा छोड़ गए हैं। रहाऊ जब तक मैं भेदभाव की वृत्ति को अपनाता रहा तो विकारों के बंधन में फंसता रहा, लेकिन जब गुरु ने अज्ञानता मिटा दी तो मोहिनी के बंधनों से मुक्ति हो गई। जब तक मैं प्रभु के हुक्म को नहीं समझता था तब तक मैं बहुत दुखी होता रहा। जब से गुरु को मिलकर मैंने उसके हुक्म को पहचान लिया है तब से मैं सुखी हूँ। मेरा कोई दुश्मन अथवा बुरा चाहने वाला नहीं, ना ही कोई बुरा है। हे नानक, जो सेवक गुरु की श्रद्धा से सेवा करता है वह प्रभु का बंदा है। आसा महला पांच सुख सहज आनंद घना, हर कीर्तन गाऊ गरह निवारे सत गुर दे अपना नाऊ। बलिहारी गुण आपने सद सद बल जाऊं, गुर विटह हाउ बारिया जिस मिल सच सुआऊ। रहाऊ सगन अपसगन तिस कौ लगह, जिस चित न आवे तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभ भावे। पुन्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे जिस पूर्ण काम। भय बिन से ब्रह्म मोह गए को दिसे न बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख न थिया। मैं हरि का भजन कीर्तन गाता रहता हूँ जिससे मेरे मन में सहज सुख एवं आनंद बना रहता है। गुरु ने अपना नाम देकर नौ ग्रहों के संकट को दूर कर दिया है। मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, सदैव उस पर कुर्बान हूँ जिनसे मिलकर मेरा सच्चा प्रभु मुझे मिल गया है। रहाउ जिसे प्रभु याद नहीं आता उसे ही शुभ अशुभ शगुन प्रभावित करते हैं। जो मनुष्य हरि प्रभु को भला लगता है यमदूत उसके निकट नहीं आता। दान पुण्य जप तप इत्यादि जितने भी
शुभ कर्म है, ईश्वर का नाम इनसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है।